जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस फोर्स हिंदी के एक नए वीडियो में। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 में शोकेस किए गए AMCA के एक मॉडल पर आज हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि AMCA पर कौन सी नई अपडेट निकल कर आई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत का 5.5 जनरेशन का AMCA जल्दी टॉप गियर में होगा, क्योंकि ADA ने इस साल दिसंबर के अंत तक CDR को पूरा करने की योजना बनाई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस एक्सपो 2022 शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हथियार को भी प्रदर्शित किया गया है। उसी में AMCA का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें AMCA का वेपन बे को भी देखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, AMCA अपने वेपन बे में दो एयर टू एयर मिसाइल के साथ दो स्मार्ट बॉम्ब और एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को ले जा सकता है। ADA के अनुसार अगर गवर्नमेंट की तरफ से AMCA प्रोग्राम के लिए इस महीने मंजूरी दी जाती है तो AMCA को 2025 तक रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 के मध्य तक फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार कर दिया जाएगा। साथ ही डिफेंस एक्सपो 2022 में ADA ने AMCA के सिम्युलेटर का एक स्केल मॉडल भी प्रदर्शित किया है, जिससे आप AMCA के कॉकपिट का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से सिस्टम को AMCA के कॉकपिट में ऐड किया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो डिफेंस एक्सपो में चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस ने अपने वज्र स्टेल्थ ड्रोन का प्रदर्शन किया है, जो कि HAL द्वारा विकसित 3.43 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करने वाले सिंगल टर्बोफैन इंजन से पावर किया जाएगा। साथ ही प्रोग्राम के लिए लॉकहीड मार्टिन कनाडा CDL सिस्टम्स द्वारा एडवांस अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा। कंपनी के अनुसार वज्र ड्रोन का एंड्योरेंस 5 से 6 घंटे का है। यह ड्रोन की स्पीड पर निर्भर करता है। यह ड्रोन अपने वेपन वे में स्मॉल ड्रोन लॉन्च एमिनेशन को ले जा सकता है। साथ ही कंपनी का दावा है कि प्रोग्राम के लिए सभी तकनीक को इन हाउस विकसित किया जाएगा और निकट भविष्य में कार्यशील प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। आपके विचार इस पर क्या हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।